दोस्तों स्वागत है एक और न्यू स्टेटस वीडियो में। तो दोस्तों जिस तरह का स्टेटस आप वीडियो के फर्स्ट में देखे उस तरह का स्टेटस बनाने के लिए मैं बताऊंगा कि उस तरह का स्टेटस कैसे बनता है। तो दोस्तों उस तरह का स्टेटस का नाम है ढोलकी स्टेटस। तो उस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपको स्लो मोशन में वीडियो का रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आपको आपके पास चार फोटो होना चाहिए। तो चार फोटो होने के बाद यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है दोस्तों। उसके बाद प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से 916 पे क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों काइन मास्टर का जो न्यू पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना है और जो आप वीडियो को स्लो मोशन में रिकॉर्डिंग किए हैं ना उस वीडियो के यहाँ पे ले लेना है। वीडियो लेने के बाद से यहाँ से लेयर में जाना है और यहाँ से मीडिया में जाना है। उसके बाद ढोलकी स्टेटस का साउंड आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ पे ले लेना है। लेने के बाद से एक्स्ट्रा ऑडियो का ऑप्शन यहाँ पे है ना दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है और सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से फिल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद अपना जो फ़ोटो है यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चार फोटो यहाँ पे ले लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों चार फोटो यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको बीट यहाँ पे नज़र में आ रहा है, जैसा कि हम मार्किंग कर देते हैं, यहाँ एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इतना दूर गैप में आपको यहाँ पे वीडियो के फ़ोटो के यानी कि लगाना है। तो फोटो के लगाने यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस वाले फ़ोटो को यहाँ पे ड्यूरेशन को बढ़ा के बीट के हिसाब से यहाँ पे इतना दूर तक बढ़ा देना है। सभी फ़ोटो का इतना दूर तक आपको बीट के हिसाब से लगा देना है। उसके बाद दोस्तों अब वीडियो को यहाँ पे दोनों उंगलियों से जूम कर लेना है। जूम होने के बाद इतना दूर तक बच जाने के बाद कैंची वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका वीडियो आधा कंप्लीट बन जाएगा। अब दोस्तों इतना सेकेंड तक आना है, वीडियो को पहले चला कर देखना है। इतना दूर तक आने के बाद से आप अब लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। उसके बाद एक प्लस का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इसका यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर लेना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद दोस्तों इतना दूर तक देखिए बच जाता है। तो कैंची वाले ऑप्शन पे जाएंगे और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ब्लेंडिंग के ऑप्शन है, इस पर जाएंगे और यहाँ से स्क्रीन ऑप्शन पे इनेबल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इस वाले फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिप ग्राफिक ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉल मी डीजे स्टेटस ग्राफिक इफेक्ट लगा देना है। यदि दोस्तों आपके काइन मास्टर में कॉल मी डीजे स्टेटस नहीं आता है तो इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे इसको लाना है। मैं उस वीडियो का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमको लाना है। तो यहाँ पे लाने के बाद एक नंबर का यहाँ पे ग्राफिक इफेक्ट लगा देना है तथा दूसरा फोटो में यहाँ पे दो नंबर के ग्राफिक इफेक्ट लगाना है। इसी तरह से एक वीडियो में इसमें आना है, थर्ड नंबर के फ़ोटो पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक में जाना है और यहाँ से एक नंबर का ग्राफिक इफेक्ट लगाना है। उसके बाद यहाँ से लास्ट वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से दो नंबर का ग्राफिक इफेक्ट लगा देना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह का ग्राफिक इफेक्ट लग जाने के बाद से उसके बाद यहाँ से लेयर में जाना है और मीडिया में जाना है। उसके बाद एक बॉर्डर का यहाँ पे PNG लेना है। इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड करके यहाँ से लगा सकते हैं। लगाने के बाद यहाँ से इसको फुल स्क्रीन में करके यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इसका ड्यूरेशन को यहाँ से वीडियो के लास्ट तक कर देना है। लास्ट तक होने के बाद आपका वीडियो एकदम कम्प्लीट बन जाएगा। आप वीडियो को चला कर दिखा देते हैं। वीडियो को
कुछ ही समझ जाने के बाद यहाँ इसको फाइल में सेव करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, जिससे कि आपका ये वीडियो फाइल में सेव हो जाएगा।